बड़े 11th आर में शॉर्ट नोटिस पे मुझे जो है वो शाकिर उमर भाई ने मौका दिया आप फार्मर्स के साथ जो है वो पहली बार मुखातिब होने का। मैं बेसिकली यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसके अलावा जो है वो कुछ फार्मर्स हमारे दोस्त भी हैं, खुद भी जो है वो कुछ फार्मिंग से रिलेटेड कुछ शौक रखते हैं। तो उस हवाले से ये बहुत एक मैं समझता हूँ कि अच्छा हो गया। बहुत सारे मैंने अपने दोस्तों की बातें सुनी और उसको ऑब्जर्व भी किया कि वाकई ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग दिस के दूध के हवाले से और मिनरल वाटर का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमने समझा और प्राइस के हवाले से भी। बेसिकली देखें बहुत सारी ऐसी चीजें, अब बहुत सारे ऐसे इश्यूज और बहुत सारे ऐसे मामला जो हम समझते थे कि शायद पहले कभी भी जो है वो डेयरीज के हवाले से या एग्रीकल्चर के हवाले से ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो हाईलाइट नहीं होते थे किसी भी फोरम पे, या शायद इसकी वजह थोड़ी सी जो है वो हमारी अपनी भी ऐसी कुछ कोशिशें हैं जिसमें कमी थी, या ऐसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी इफेक्टिव नहीं थी जो अपना मैसेज जो है वो कन्वे नहीं कर पाते थे प्रॉपरली। लेकिन आज जबकि ये इवेंट देखने के बाद एक एसोसिएशन और एक काविश है शाकिर उमर भाई की, बुखारी साहब की और दीगर जो मेरे मौजूद हजरात या मौजूद हैं जो इस एसोसिएशन को बनाने में, उसके अलावा फिर डेयरीज के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से और दूसरे जो है वो कैटल्स के हवाले से, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्री और जिस तरीके से एक इन्होंने जो है वो एक रिसर्च की इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो अब इसको फोकस करें, इसको हाईलाइट करें, तो मैं समझता हूँ अब इसमें शायद आगे जाके हमें और बेहतर नतीजे हासिल होंगे। बहुत शुक्रिया। दूसरा मैं एक मुझे बड़ी हैरानगी है लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपनी वो कि मैंने तो कभी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स अटेंड किए हैं लेकिन आज तक कभी फार्मर्स का इस तरह का इवेंट नहीं देखा बाखुदा। इसके लिए आप मैं मुझे बिल्कुल ही आइडिया ही नहीं था। जब इसका दावतनामा आया और चीजें थी तो बस ऐसा था कि ठीक है जाएंगे और बैठेंगे और जो है वो दो चार दस बैठे बंदी भी होंगी वहां बैठ के एक मीटिंग हो जाएगी। मगर जब यहाँ बाहर देखा, अंदर आए और जिस तरह से और बड़े एजुकेटेड लोग भी यहाँ मिले, कुछ लोगों से इंट्रोडक्शन हुआ, तो अब माशाल्लाह बड़े बिजनेसमैन भी फार्मिंग इंडस्ट्री में आ गए हैं। अब हमारे पास मैं समझता हूँ अच्छे सरमायाकार भी फील्ड में आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी फील्ड में आ रहे हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आज मैं समझता हूँ इस इवेंट को, मैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से ये तो आप लोग की तालियां बताएंगी कि आया ये वाकई ऐसा पहली बार है या ऐसा होता रहा है जो है। अगर पहली बार है तो फिर जो है वो तो मुझे बड़ी, मैं आज की शाकिर भाई आपकी इस कोशिश को, आप सब दोस्तों की इस कोशिश को मैं जो है वो बारिश की एक पहली बूंद समझता हूँ। अब मैं समझता हूँ कि आपके इस शोबे में भी बड़ी तब्दीली बस आई गई है, बस आप कामयाबी और जो है खुशहाली के चंद कदम दूर हैं। थोड़ा सा अगर हम और इंशाल्लाह अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, अपने साथ अपनी कमेटीज में और जो है अपनी एसोसिएशन में केपेबल लोगों को शामिल करें जो कि ना कि सिर्फ ये है कि बिजनेस के अलावा भी वो फला के काम का भी जो है वो मिशन रखते हो, उनके अंदर जो है वो एक पैशन मौजूद हो, जैसे कि आप में हमने देखा दिन और रात, आप रात 2:30 बजे भी कभी मैंने देखा तो आप एसोसिएशन में बैठे हैं और फिर सुबह 6 बजे भी आप बैठे हैं, तो मुझे नहीं पता कि भाभी से आपके ताल्लुकात कैसे हैं, लेकिन बहरहाल जो है वो बड़ी बड़ी कोशिश है इनकी बड़ी, मतलब मैंने ऐसा दूसरा शख्स नहीं देखा इस फील्ड में। और जब आप चले इंशाल्लाह, और आपके साथ कुछ और दोस्त भी हैं, मुझे सारों के अभी पूरी तरह नाम याद नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर यही कोशिश जारी रही तो बहुत ही इंशाल्लाह अच्छे, हम बहुत जल्द इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत जल्द हम अपने जो है वो बहुत सारी अचीवमेंट इंशाल्लाह हासिल कर लेंगे। आखिरी में लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सपो की जो बात है, ये एक बहुत अच्छा कदम है, इसमें हम पूरी तरह से साथ हैं आपके और इंशाल्लाह 2-3 ऐसी ट्रेड बॉडीज हैं जिससे मेरा डायरेक्टली ताल्लुक है
फेडरेशन हाउस से भी है, आबाद से भी है, उन सब लोगों को भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी फोरम पे हम इसको सपोर्ट करेंगे, इसको इंडोर्स भी करेंगे और कोशिश करेंगे अगर आपको कहीं पर इंटरनेशनल लेवल पर फार्मर्स को लाने की जरूरत पड़ी तो उसमें भी इंशाल्लाह कॉन्सुलेट के साथ और दूसरों के साथ हम जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंट है उसमें इनके साथ इंशाल्लाह शामिल रहेंगे। आखिर में बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।